हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है विवेकानंद और आपके मन में कभी न कभी एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर कोई भी पॉइजन मतलब कि जहर अगर एक्सपायर हो जाए, उसकी एक्सपायरी डेट निकल जाए तो क्या होगा? वह जहर और भी ज्यादा जहरीला हो जाएगी या फिर उस जहर पे क्या असर पड़ेगा? आज हम इस वीडियो में यही बातें आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी दवाई मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट में एक्सपायरी डेट लिखा रहता है और इस एक्सपायरी डेट का मतलब यह होता है कि उस डेट के बाद उस दवाई का असर कम हो जाएगा या फिर उस दवाई को लेने के बाद हमें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए, मार्केट में मिलने वाले पॉइजन की बोतल अलग अलग होती है और उसका यूज भी अलग अलग तरीके से किया जाता है और जिस पर एक्सपायरी डेट लिखा रहता है और उस बोतल पर जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उसका नाम भी अलग अलग होता है, जिसका यूज भी अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर होती है। और कोई भी जहर एक्सपायर करने के बाद वह किस तरह से रिएक्ट करेगी इसी केमिकल कंपाउंड पर डिपेंड करती है। देखिए, कोई भी पॉइजन अगर एक्सपायर हो जाए तो वह तीन तरह से वर्क करेगी। पहला, एक्सपायर होने के बाद उसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड मिले हुए हैं उस केमिकल कंपाउंड का हो सकता है कि असर कम हो जाए। अगर वह केमिकल का असर कम हो गया तो वह जहर वह पॉइजन का भी असर कम हो जाएगा और वह पॉइजन का अगर असर कम हो गया तो वह जहर वह पॉइजन जिस काम के लिए बनी है वहां काम ही ना करे। दूसरा, यह भी हो सकता है कि वह और ज्यादा खतरनाक हो जाए। वह जिस केमिकल से बनी है वह एक समय के बाद अलग ही तरह से रिएक्ट करे और यह भी हो सकता है कि उसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड मिले हुए हैं वह आपस में ही रिएक्ट कर जाए और कुछ और ही कंपाउंड बना दे जिससे जहर अलग ही तरह से रिएक्ट करेगी, जिस वजह से वह पॉइजन जिस काम के लिए बनी है उससे कहीं ज्यादा वह खतरनाक हो सकती है। और एक बात आपको पता ही होगी कि पानी की बोतल पे जो एक्सपायरी डेट होता है वो पानी की नहीं बल्कि उस बोतल की होती है। बोतल की क्यों होती है? क्योंकि उस एक्सपायरी डेट के बाद वह बोतल का जो केमिकल होता है वो पानी के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से बोतल तो ठीक रहती है लेकिन उसके अंदर का पानी खराब हो जाता है। इसीलिए बोतल पे लिखा हुआ रहता है कि उसे एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज ना करें। तो दोस्तों, आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर पसंद आया तो लाइक जरूर ठोक दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और स्क्रीन पर जो तीन वीडियो है उसे क्लिक करके जरूर देखिए, जिससे आपको एक पे एक नॉलेजबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।